हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस सवाल के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर किसी के माइंड में, किसी के दिमाग में निगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसको कैसे रोका जाए। ओनली पॉजिटिव वाइब्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं कि आज किसी के अगर माइंड में, आज क्या, अगर किसी के माइंड में, दिमाग में कोई निगेटिव थॉट्स आते हैं तो उन्हें कैसे रोका जा सकता है। तो निगेटिव थॉट्स आजकल आप जान ही रहे होंगे कि पॉजिटिव पॉजिटिव, एवरीथिंग शुड बी पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव वाइब्स, ओनली बी पॉजिटिव। ऑफ कोर्स बी पॉजिटिव, कई लोगों का ब्लड ग्रुप भी होगा। तो खैर, ब्लड ग्रुप की बात छोड़िए, तो बात करते हैं कि निगेटिव थॉट्स तो आते हैं। थॉट्स देखिए, पॉजिटिव निगेटिव आप किसे कह सकते हैं? आप सभी चीजें जानते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव हमारे द्वारा लगाए गए लेबल्स हैं। जैसे लेबल हम लगाते हैं वैसी ही चीजें होती हैं, और हम ये लेबल लगाना छोड़ देते हैं। जो चीजें जैसी ही उन्हें वैसे ही क्यों ना देखा जाए? क्यों हम पॉजिटिव और निगेटिव का लेबल लगाएं? और विचार हैं तो विचार कहाँ से आते हैं? जो भी आप फीड लेते हो, फीड लेने का मतलब है जो भी आपका इनपुट होता है, आप आंखों से जो आप देखते हो, कानों से जो सुनते हो, जिस वातावरण में रहते हो और जो पढ़ते हो, लिखते हो, देखते हो, ये सारी चीजें आपके विचारों को कहीं ना कहीं, क्या कहीं ना कहीं क्या, बहुत ही ज्यादा इन्हीं सब चीजों से तो विचार ही आते हैं। और निगेटिव थिंकिंग, थोड़ा बहुत निगेटिव थिंकिंग कहें तो इंसानों में इनबिल्ट निगेटिव थिंकिंग होती है, एक सुरक्षा की भावना जिसे कहते हैं, तो वो थोड़ा बहुत सभी में होती है। जैसे सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म आप कह सकते हो कि आप कोई चीज़ का, कि क्या गलत हो जाए, ये सोचना इस तरह से ज़रूरी हो जाता है कि उस गलत को होने से रोका जा सके। जैसे कि आप जाते हो बाहर तो आपको लगता है कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो आप उसके लिए प्रिकॉशन लेके चलोगे, जब आप रोड पार करोगे तो आप ढंग से रोड पार करोगे दोनों तरफ देख करके, ये सब चीज़ें। ये पर यही चीज़ें जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो आप कह सकते हो कि आपका दिमाग निगेटिव थॉट से ओवर फ्लडेड हो रहा है, और ये आपके लिए ईजी नहीं है। मतलब आपका दिमाग आपकी आज्ञा के बिना ही ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो ये तो बहुत बुरी चीज़ है। तो बात वही है, इसके लिए आप अपने वातावरण को थोड़ा चेंज करिए, आप जो फीड ले रहे हैं, जो इनपुट ले रहे हैं उसे चेंज करिए, थोड़ा कुछ अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए। बहुत सारी चीज़ें चेंज करने की जरूरत है, एक ही दिन में नहीं होगा। आप अपनी पूरी दिनचर्या में धीरे धीरे बदलाव करिए तो ये चीज़ें थोड़ा सही होंगी। और उसके अलावा आप किसी साइकियाट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट साइकियाट्रिस्ट की ऑफकोर्स आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। कंसल्टेशन लेने में कोई बुरा नहीं है, बस करिए, थोड़ा कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी। कोई भी हो, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, कहीं भी जाएं, कोशिश आपको ही करनी होगी।